और हम पे भी कई एसटीएससी की झूठी धारा लगवाई हैं और आज भी लग रही हैं। तो जो हुई है सो देख लें, फांसी तो चढ़ा नहीं रहे और चढ़ा रही हुई है फांसी तो बा भी चढ़ा जनता के हित के नाने। पथरिया विधायक रामबाई ने कलेक्टर से अभद्र भाषा में बात करी, सोई के बाद उन पे हो गई है FIR और अब FIR होवे के बाद भड़क गई हैं रामबाई परिहार, बोली हम नहीं डराऊ काऊ से। दरअसल पथरिया की विधायक रामबाई परिहार की कल बहस हो गई थी दमोह कलेक्ट्रेट में कलेक्टर एस कृष्ण चेतन से और ई के बाद उन पे जिला कोतवाली में हो गई है FIR। कल 30 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय दमोह में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, घटनाक्रम यह था कि विधायिका पथरिया कुछ महिलाओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी, कलेक्टर साहब के समक्ष बात रखी जा रही थी। उसी दौरान बातचीत के दौरान विधायिका पथरिया द्वारा कलेक्टर के साथ अमर्यादित भाषा का जो कार्य किया है, इसके संबंध में कलेक्टर साहब की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में 353, 294, 186 और 506 ITC का प्रकरण विधायिका पथरिया के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है, प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सर, ये FIR किसके द्वारा कराई गई है? ये FIR मूल जो है कलेक्टर साहब के साथ घटना घटित हुई थी, उनके साथ अमर्यादित आचरण किया गया था, इस कारण से कलेक्टर साहब ही इसमें फरियाद है। सर, अब इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी, चूंकि एक धारा गैर जमानती है तो क्या गिरफ्तारी होगी विधायक? विवेचना की जा रही है और इस संपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार ही विधि संगत कार्रवाई। सर, इसमें नामजद FIR है क्योंकि आपने अभी बोला कि विधायिका के विरुद्ध? बिल्कुल नामजद FIR है, विधायिका महोदया जो है पथरिया श्रीमती रामबाई परिहार है, उनके विरुद्ध ही नामजद FIR है, जिनके विरुद्ध ही प्रकरण है और उनके विरुद्ध इस प्रकरण में बिल्कुल विधि संगत वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। उतई पूरी FIR के बाद रामबाई परिहार बोली हैं कि बे कोनो FIR से नहीं डराउती काय के उनने जनता के हित के लाने अपनी बात करी है। और हम पे भी कई एसटीएससी की झूठी धारा लगवाई हैं और आज भी लग रही हैं। तो जो हुई है सो देख लें, फांसी तो चढ़ा नहीं रहे और चढ़ा रही हुई है फांसी तो बा भी चढ़ा जाए जनता के हित के लाने। जनता के हित वाली बात आए तो फांसी भी चढ़ जाए, लेकिन जो सिस्टम हमारा है जनता के प्रति लड़ने के लाने वो हम लड़ रहे अधिकारियों से हो चाहे पुलिस। हाँ, शब्द मैंने कहे हैं उनसे, इसका मुझे खेद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्लानिंग के तहत किया हो या कोई मेरी मंशा हो। वो तो समय ऐसी जुड़ गए कि उनने बोल दिया कि मैं चेक करा लेंगे, पर मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैं प्रमाण सामने दे रही हूँ और आप प्रमाण को ठुकरा रहे हैं। रामबाई परिहार के तेवर और प्रशासनिक अधिकारियों की नाराजगी ई पूरी घटना को अलग मोड़ दे सकत है। पथरिया से आफ्ताब खान, बुंदेली, बोछार किलाने। अपनी खुशियों को बनाएं खास होटल रॉयल पैलेस, जहां पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।